हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंदाराना। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ जो सेकंड हैंड टायर आप खरीदते हो उसमें कितना डेंजर होता है और कौन से टाइप के स्कैम उसमें हो रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों टायर के क्या महत्व होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। टायर जो है दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके गाड़ी का, सेफ्टी पार्ट है। सारे गाड़ी का वेट, पैसेंजर का वेट, आपका स्टेयरिंग, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, ये सब कुछ जो है वो टायर के थ्रू ही होता है। हमेशा मैंने देखा है काफी लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, उसके वजह से उनको काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा टायर लाइफ या टायर का शेल्फ लाइफ आप समझ लीजिए 6 से 8 साल होता है। तो 6 से 8 साल अगर पुराने होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हार्ड हो जाते हैं। अगर वो हार्ड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सस्पेंशन है या आपका स्टेयरिंग रैक है वो जल्दी वॉर्न आउट होगा और वो आपको एक दूसरा खर्चा देगा जो सस्पेंशन के रूप में या फिर आपके स्टेयरिंग रैक के रूप में। पुराने टायर में दोस्तों सेफ्टी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आज वही बात कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके के स्कैम पुराने टायर्स में होते हैं। पुराने टायर्स से दोस्तों ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है वो आपका बढ़ जाता है क्योंकि वो घिसे हुए होते हैं। सो दोस्तों सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, सेफ्टी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। सब लोग जो देख रहे हैं हम लोग वो खाली पैसे बचाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस जो बढ़ रहा है उसके वजह से। दोस्तों इमेजिन करिए आपकी गाड़ी जो है 100 के ऊपर स्पीड में चल रही है और वहां पे अगर आपका टायर फटता है तो क्या हो सकता है। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है पुराने टायर स्कैम की। अभी हम लोग मैं बताना चाहूंगा आपको क्या है ये पुराना टायर स्कैम। दोस्तों आपको पता ही है जब भी टायर चलता है धीरे 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 घस के उसका जो सर्विस लाइफ है वो कहीं ना कहीं एंड पे आता है। दोस्तों जब भी सर्विस लाइफ एंड में आती है काफी लोग जो सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं, जो खुद के फैमिली का केयर करते हैं, खुद के गाड़ी की केयर करते हैं, वो रेगुलर इंटरवल पे टायर को भी चेंज कर देते हैं। अभी वो पुराने टायर जब निकलते हैं वो कहीं ना कहीं वो स्क्रैप यार्ड में जाते हैं या पुराने टायर के बिजनेस में होते हैं वो टायर को खरीदते हैं और उसके बाद में आप हैरान हो जाओगे उस टायर के साथ में क्या होता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा टायर जो है वो पूरा वर्न आउट है और उसके बाद में इसके अंदर क्या हुआ है। जो टर्म यूज होती है टायर वालों के बीच में वो होता है टायर के ऊपर रीट्रेडिंग हुआ है या टायर को रीग्रू किया है या टायर के बटन को कट किया है या कट बटन टायर्स है। ऐसे काफी महाराष्ट्र में जो यूज होती है टायर पे नक्शी मारी हुई है, सो मैप बनाया है बेसिकली। सो जैसा जो ओरिजिनल डिजाइन होता है वो डिजाइन उस टकले टायर के ऊपर वो बनाते हैं। और दोस्तों इमेजिन कीजिए वो रबर को निकाल रहे हैं जहाँ पे प्लाई कॉर्ड होते हैं उसको टच कर रहे हैं वो लोग और स्टील कॉर्ड्स होते हैं उसको भी टच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टील कॉर्ड जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं बाहर में और स्टील कॉर्ड एक्सपोज होने से वो रस्टिंग उसको पकड़ना चालू करते हैं और रस्टिंग पकड़ने के बाद में वो टायर आपका कभी भी बर्स्ट हो सकता है। सो इमेजिन करो दोस्तों आपने ये सेकेंड हैंड टायर खरीदा, आपको नॉलेज नहीं है सेकेंड हैंड टायर की और आप सेकेंड हैंड टायर आपके गाड़ी में लगा के चल रहे हैं। जैसे आप छोटे बच्चे के हाथ में एक बंदूक दे देते हो ओरिजिनल बंदूक, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो तो सोचता है कि ये मेरे लिए खिलौना है, वो किसको भी गोली मार सकता है। सो वैसे ही दोस्तों वही सिचुएशन यहां पे हो रही है। आप अगर सेकंड हैंड टायर आपके गाड़ी में डाल रहे हो और वो टायर आपको पता नहीं है वो सही में अच्छा टायर है या रोडवर्दी है, उसके क्या सेफ्टी फीचर्स है और आप गाड़ी चला रहे हो स्पीड पे चला रहे हो, अगर वो टायर फटता है आपकी गाड़ी किसके भी ऊपर जा सकती है, आपके भी जान माल के नुकसान हो सकती है, दूसरे के भी जान माल के नुकसान हो सकती है और किसी की जान भी जा सकती है। सो इमेजिन करो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रीग्रूविंग चल रहा है जिसे नक्शी कहते हैं और काफी लोग इसके ग्रू कट टायर कहते हैं, काफी लोग इसे बटन कट टायर कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिटरली मैप बना रहे हैं। सो दोस्तों आप फॉरेन कंट्रीज में भी टायर सेकेंड हैंड टायर बेचते हैं, सेकेंड हैंड टायर लेना ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन सेकेंड हैंड टायर आप किससे ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ये सब चीज का नॉलेज होना काफी जरूरी होता है। यूके यूएसए में दोस्तों ये डेवलप कंट्रीज है वहां पे लाइसेंस दिया जाता है सेकेंड हैंड टायर बेचने का और वहां पे जब भी आप सेकेंड हैंड टायर खरीदने जाते हो वो टायर पे लिटरली एम्बॉस किया हुआ रहता है कि दीज आर पार्टली यूज टायर्स, उसके ऊपर स्टिकर्स लगाए होते हैं और वो बंदे को मेक श्योर करना होता है कि ये जो टायर है ये सेफ है आपके रोड के लिए। वैसा कोई भी रेगुलेशन हमारे इंडिया में नहीं है। रीग्रूविंग जिसे बोलते हैं वो इलीगल है, हर कंट्री में इलीगल है। तो काफी ट्रैफिक ऑफिशियल्स है जिनको भी टायर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जैसा आप अगर यूके यूएस में जाते हो वहां पे फिटनेस ये मैंडेटरी होता है हर साल प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी, यहाँ पे कोई रेगुलेटरी नहीं है गाड़ियों को इंस्पेक्ट कर सके कि वो गाड़ियाँ सही में रोडवर्दी है या नहीं।
इस चीज का कोई रेगुलेटरी नहीं है दोस्तों। सो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का कभी एजेंडा ही नहीं था, गवर्नमेंट ने कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज से वोट ही नहीं मिल रहा है। आप दोस्तों देख सकते हो कि टूरिस्ट गाड़ियां जो है वो हमेशा जाती है सेफ्टी चेक्स के लिए। सेफ्टी चेक्स मतलब जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं, टूरिस्ट गाड़ियों में ये मैंडेटरी होता है। लेकिन आप टूरिस्ट गाड़ियों के जाके कंडीशन देखिए, उनके टायरों की कंडीशन देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो ट्रैफिक ऑफिशियल्स है उनको ही इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि कौन से रिग्रूव टायर्स है, टायर का डेप्थ कितना होना चाहिए, मिनिमम लीगल लिमिट टायर का डेप का गेज का क्या होता है, इस चीज़ का किसी को नॉलेज नहीं है। सो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है तो कहीं ना कहीं इस नॉलेज से उनको अपडेटेड करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जो दोस्तों आज के सिचुएशन में गाड़ियाँ इतनी बढ़ रही है, इतनी पावरफुल इंजन वाली गाड़ी आ रही है, अगर उसमें ये टाइप के टायर जा रहे हैं सो कहीं ना कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इमेजिन कीजिए आप कौन सा टायर खरीद रहे हैं, उस टायर के बारे में आप लेमैन हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है। सो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सेकेंड हैंड टायर मत खरीदिए, क्योंकि कॉस्ट वाइज जो बात करेंगे वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप देखेंगे कि उसके अंदर आप पैसे नहीं बचा रहे हो। दोस्तों मैं एग्जांपल में एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेता हूं जो काफी ज्यादा बिकी है इंडिया में। दोस्तों अगर आप स्विफ्ट डिजायर का टायर, सस्ते में सस्ता टायर कोई भी इंडियन कंपनी का आप लेने जाते हो तो आपको 2500 से 2800 के बीच में वो टायर मिलता है। आप सेकंड हैंड टायर कितने का खरीदते हो, कम से कम आप 800 से 500 से 1000 रुपए उस टायर के लिए देते हो। मान लो अगर आपकी गाड़ी 40,000 किलोमीटर चलती है, उसके लिए आप 3,000 रुपए खर्चा कर रहे हो और आप सेकंड हैंड टायर पे 500 से 1000 रुपए खर्चा कर रहे हो और आपको पता ही नहीं उसका कितना लाइफ है। मैक्सिमम 500-1000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर भी अगर आपको लाइफ मिलती है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको कौन सा टायर सस्ता पड़ा। और आप जब सेकंड हैंड टायर खरीदते हो तो उसका इतना हार्ड होता है वो टायर, वो आपके सस्पेंशन को डैमेज कर रहा है, वो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका कॉस्ट उसमें भी जाने वाला है। सो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेकंड हैंड टायर है वो हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी नहीं है, उसके अंदर कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है। सो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी टायर डालते हैं ये हमेशा नए टायर डालिए, कोई भी एक इंडियन कंपनी लीजिए, ISI मार्किंग होना जरूरी होता है टायर के ऊपर। चाइनीज टायर को दोस्तों अवॉइड कीजिए। चाइनीज टायर का दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर पूरा नॉलेज दूंगा आपको कि क्यों चाइनीज टायर खरीदने नहीं चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो टायर्स में होते हैं। ऐसे कोई अगर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप सेफ्टी कैंप लगाते हो हमेशा इस चीज को हाईलाइट कीजिए कि सेकेंड हैंड टायर क्यों नहीं बाय करने चाहिए। आपके कस्टमर को गाइड कीजिए, आपके डीलर्स को गाइड कीजिए, तभी ये एनवायरमेंट हम सेफ कर पाएंगे। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। राइडर प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।